फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का इल्मी मकाम क्या था? आपकी जात वैसे तो बड़ी जामे जात है, जिस पहलू के हवाले से भी कलाम कर ले। इल्मी मकाम के हवाले से ये है कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा किराम में सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद आप इल्मी एतबार से सबसे अजीम हस्ती, यानी खुलफाए राशिदीन में जो इल्मी मकाम के एतबार से दर्जा बंदी है वो भी वही है जो उनके उनकी फजीलत और उनके मरतबे के एतबार से है कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अनहु जो हैं ये सबसे बड़े आलिम, और उसके बाद सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अनहु। और आपके इल्म का ये अंदाज़ा लगाएं, जैसे हजरत अली रदी अल्लाह ताला अनहु के बारे में हदीस मुबारक है ना कि अना मदीनतुल इल्मी वाली बाबूहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ अली उसका दरवाज़ा। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अनहु के बारे में भी हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर एक दूध का प्याला मुझे पेश किया गया, मैंने वो पिया, वो दूध मैंने पिया हत्ता कि मैं सैर हो गया, और मुझे उसकी सैराबी ऐसी महसूस हुई कि मुझे अपने नाखूनों के नीचे उसकी तरी महसूस हुई, यानी वो दूध जो है वो मेरे पूरे बदन में रच बस गया। फिर जो बचा हुआ दूध था प्याले के अंदर वो मैंने उमर फारूक को दे दिया। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इस ख्वाब की क्या ताबीर समझी कि वो दूध क्या था? फरमाया इल्म, वो इल्म था। तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमुल अव्वलीन वल आखिरीन और आलमुल खल्क, आप अपने इल्म मुबारक का बचा हुआ सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमा रहे हैं, तो लिहाजा सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का इल्म क्या होगा, एक बात। दूसरी बात यह है, आपके इल्म के बारे में खुद सहाबा किराम के अंदर ये मारूफ था, यानी एक सहाबी बताते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में दो हस्तियां थी जो फतवा दिया करती थी, दो हस्तियां थी जो फतवा दिया करती थी, और कब? नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारका में, यानी आपकी मौजूदगी में फतवा देती थी। उनमें एक सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे, दूसरे उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। तो जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारका के अंदर फतवे दे रहे हैं तो उनका इल्म का मकाम क्या होगा? तीसरी बात, आपके इल्म के हवाले से हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तमाम कबाइले अरब का इल्म एक पलड़े में रख दिया जाए और उमर फारूक का इल्म दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो उमर फारूक वाला पलड़ा ही गालिब आएगा। यानी तमाम कबाइले अरब का इल्म एक तरफ और आपका इल्म एक तरफ। एक और रिवायत के अंदर है, फरमाया कि उमर फारूक के इंतकाल से, आपकी शहादत से, इल्म के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से चले गए। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो का जो इल्मी मकाम है वो इन रिवायात से वाजे है कि सरकार सलातम के ज़माने में फतवा देते थे। फिर और आपने जो इल्म के अंदर आपने जो फतावा दिए हैं, इस आइमा मुज्तहिदीन भी अपने इज्तिहाद के लिए सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के फतावा से इस्तिदलाल किया करते थे। तो ये आपका इल्मी मकाम है।